अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ओवर देयर। इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यू कैन जॉइन। वहाँ पे टाइमली मैनर में न्यूज़ आर्टिकल और रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह शेयर किए जाते हैं, सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन इन द मार्केट। जंपिंग इनटू द केसी नॉट ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, वीकली में मैंने आपको बताया था कि जब तक 43,811 पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास क्लोज नहीं मिलता, तब तक ऊपर की साइड जो है वो लिमिटेड है। और यहाँ पे हमारे पास जो नीचे की रेंज है, दैट इज़ प्रॉबेबली गोइंग टू अगेन कम इन टू टेस्ट। देखना यह है कि हमारे पास हायर लो बनता है, और अगर हमारे पास प्रीवियस लो ब्रेक होता तो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू गो बेयरिश वंस अगेन। लेकिन फिलहाल सो फार सो गुड, अभी तक एज सच कोई मेजर किस्म की जो है प्रॉब्लम्स सामने नहीं आ रही चार्ट में, बिकॉज ये जो हमारे पास वापस पुल बैक आ रहा है, इट्स विदाउट अ डाइवर्जेंस विच आई वॉज होपिंग फॉर एज वेल। Anyways, ये एक बगैर डाइवर्जेंस के आ रहा है। लेट्स सी इफ दिस पुल बैक्स यू नो गेट्स टेकन आउट समवेयर अराउंड 41,700 लेवल। उसकी क्या वजह है उसको डेली में आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द डेली चार्ट। डेली में हमारे पास जो ट्रेंड लाइन है, दैट इज़ समवेयर स्टैंडिंग विद द 50 सिंपल मूविंग एवरेज अराउंड द वेरी सेम मार्क जो मैंने अभी भी मैंशन किया, 41,750 अप्रॉक्सीमेटली, या इसको 700 भी आप कह सकते हैं। तो 41,700 पॉइंट्स का जो लेवल है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रूशल। और उसकी एक और वजह भी है, वो है आवली टाइम फ्रेम। आवली टाइम फ्रेम में जिसमें मैंने आपको कल बताया था, ये वाला जो स्ट्रक्चर था ब्लू लाइन के साथ, आई टोल्ड यू कि अगर इसके नीचे हमारे पास एक आवली क्लोज मिल जाता है तो मार्केट थोड़ा सा दोबारा जो है वो बेरिश हो जाएगी वन आवली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब ये कहाँ तक आवली टाइम पे बेरिश हो सकती है, यू कैन सी कि हमारे पास जो 100 जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, दैट गॉट ब्रोकन, ठीक है, ये रेड वाली, और उसके नीचे हमारे पास क्लोज हुआ है। अब हमारे पास 200 सिंपल मूविंग एवरेज की नीचे सपोर्ट है, एंड दैट इज़ अगेन एट द वेरी सेम लेवल 41,718 पॉइंट पे वो खड़ी है, और उसके साथ 200 सिंपल मूविंग एवरेज मौजूद है, विच इज़ एक्चुअली द वेरी सेम पॉइंट जहाँ पे हमारे पास ये डेली पे ट्रेंड लाइन मौजूद है 41,750 पॉइंट्स। और इसी तरह हमारे पास जो वीकली टाइम फ्रेम है, उसमें हमारे पास 41,700 के साथ हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है समवॉट लाइक दिस, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लेट्स होप कि जब मार्केट वापस आती है तो वी गेट होल्ड समवेयर अराउंड ओवर हेयर, और उसमें हमारे पास जो मार्केट है इससे ज़्यादा नीचे पुल बैक ना दे और एक हायर लो फॉर्म कर दे, विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड साइन फॉर द कमिंग डेज एंड वीक्स। उसमें हमारे पास आपको जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा टेल-टेल साइंस मिलेंगे, दैट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी दी आवरली टाइम फ्रेम। जिस तरह के मैं हमेशा नैरो डाउन करके बताता हूँ कि अगर आपके पास अब ये मार्केट यहाँ पे जो लो बनता है या नहीं बनता, उसमें आपने देखना यह है कि आपकी ये जो ब्लू लाइन है, मार्केट इसको एक दफ़ा एक स्मॉल रीटेस्ट कर सकती है, और अगर वो रीटेस्ट फेल हो जाता है, यानी कि इसके ऊपर वापस ऊपर क्लोज करने में फेल हो जाती है, देन इट इज़ गोइंग टू अगेन कंटिन्यू टू द डाउनसाइड समवॉट लाइक दिस, ठीक है, एक छोटा सा रीटेस्ट एंड देन प्रोबेबली समवॉट लाइक दिस, ठीक है। तो उसमें ज़रूरी नहीं है रीटेस्ट आए, लेकिन रीटेस्ट अक्सर एक आधी कैंडल से भी हो जाता है, अक्सर एक विक से भी हो जाता है, सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट इट। प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू होती है, प्रॉब्लम जो ये सेफ कहाँ तक है, ये आप कह सकते हैं कि आवरली टाइम फ्रेम में जो मैक्सिमम पुल बैक है वो कहाँ तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो उसकी सूरत में जिस तरह मैंने आपको बताया कि डेली का इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए अब बिलो दिस ग्रीन लाइन, उस सूरत में स्विंग फेलियर पैटर्न प्लेस हो जाएगा। सो डेली में विक ज़रूर आ सकती है, क्लोज ज़रूरी नहीं है होना चाहिए, ठीक है। तो डेली अगर क्लोज नहीं होती, एज लॉन्ग एज वी आर क्लोजिंग डेली इज अबव दिस ट्रेंड लाइन, वी आर गुड। और लेकिन अगर इसका ये मतलब नहीं है कि विक्स जो है वो नीचे नहीं आ सकती, तो सो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि दिन के 1-2-3 घंटे मार्केट नीचे आए इस ट्रेंड लाइन के, और उसके बाद वापस ऊपर जाके क्लोज हो जाए बाय द एंड ऑफ द डे। सो दैट मींस कि हमारे पास सिर्फ विक रह जाएगी यहाँ पे, जबकि कैंडल ऊपर क्लोज हो जाएगी। सो उसकी क्या वजह है, उसकी वजह यह है कि हमारे पास यहाँ पे 0.5 लेवल है, और आवरली टाइम फ्रेम में मे बी 0.618 जो है वो रीटेस्ट होने आए, विच इज़ एट 41,207 पॉइंट्स। 0.618 जो है वहाँ पे अगर हमारे पास रीटेस्ट आता है और मार्केट वापस ऊपर जाती है, इट इज़ अ गोल्डन रेशो या गोल्डन पॉकेट भी कहते हैं इसको। तो अगर यहाँ तक मार्केट रीटेस्ट करती है ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम, लेकिन डेली क्लोज नहीं होता, तो आई थिंक वी आर गुड। अलबत्ता 0.618 इज़ द लास्ट पॉइंट इन द पॉइंट, या आप कह लें कि एक लास्ट लाइन इन द सैंड है 41,207 टू रिमेन बुलिश ऑन दिस प्रीवियस मूव, यानी कि इस मूव में जो हमारे पास पुल बैक आ रहा है उसमें हम बुलिश सिर्फ यहाँ तक रह सकते हैं। इसके नीचे अगर क्लोजेस मजीद मिलते हैं और मार्केट कंटिन्यू करती है, देन दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट टेल-टेल साइन कि हमारे पास मार्केट यहाँ पे भी ब्रेक हो जाएगी, और इसी तरह वीकली टाइम फ्रेम में भी हमारे पास जो पुल बैक है, इट इज़ गोइंग टू गो ऑल द वे डाउन टू 40,600 पॉइंट्स, जहाँ पे 200 सिंपल मूविंग एवरेज अलॉन्ग विद द 0.382 लेवल मौजूद है हमारे पास। सो दिस इज़ द अपडेट फॉर टुडे। वीकली में ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया,
जो आवर्ली टाइम फ्रेम है उसमें मैंने आपको बता दिया कि व्हाट यू नीड टू लुक फॉर। आपका पुल बैक जो है वो 0.5 लेवल तक आ सकता है 41,700, विच इज़ ऑल्सो इन कॉन्फ्लुएंस विद द डेली ट्रेंड लाइन जो हमारे पास पुल बैक के लिए मैं आपको काफ़ी अच्छे से दिखाता आ रहा हूँ। इसके साथ ही हमारे पास जो मैकडी है उसमें भी एक क्रॉस नीचे की तरफ इनिशिएट हो चुका है। कल भी मैंने आपको दिखाया था कि जो इसका माउथ है इट इज़ अबाउट टू क्लोज, सो लेट्स सी कि अगर ये क्रॉस पूरा इनिशिएट होने के बाद ऑल द वे डज इट गो डाउन, या हमारे पास एक माइनर पुल बैक के बाद इट अगेन क्रॉसेस टू दी अपसाइड विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड साइन। सो आवर्ली टाइम फ्रेम में यू नीड टू लुक आउट फॉर 41,718 लेवल, ठीक है। इसमें हमारे पास यहाँ तक अगर मार्केट आती है और उसके ऊपर सस्टेन करके वापस ऊपर की तरफ पुश बैक करती है तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ गुड साइन एज वेल। डाइवर्जेंसीज अभी तक किसी टाइम फ्रेम पर मौजूद नहीं है, अलबत्ता इस जो वो हमारे पास एक आप कह लें फैंटम हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो मौजूद है वो इस पॉइंट और इस तरह के जब तक इससे ऊपर मार्केट लोकल लो बनाती रहेगी तब तक आपके पास डाइवर्जेंस रहेगी। और अगर डाइवर्जेंस की सूरत में आपके पास एक वापस पुश बैक आता है टू दी अपसाइड तो आपके मैंने ट्रेंड लाइन दी थी लाइक दिस, उस टाइम ये दो पॉइंट्स थे अब तीसरा पॉइंट है। तो हमारे पास अगर यहाँ पे एक लोकल लो फॉर्म होता है और मार्केट ब्लू लाइन के ऊपर वापस क्लोज होती है वी आर गोइंग टू अगेन गेट अ पुश इनटू दिस ट्रेंड लाइन। सो ये शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम है, इसको आप क्लोन भी कर सकते हैं, क्लोन करके आप इसको दूसरी साइड पर भी लगा सकते हैं तो आपको नज़र आएगा कि हमारे पास एक रिग्रेशन या एक फॉलिंग चैनल टाइप चीज़ बन रही है। यू कैन सी इट ओवर हियर, अब हमारे पास टू टच पॉइंट्स नीचे के भी आ चुके हैं, सो दैट्स हाउ वी कैन कॉल इट अ चैनल। पहले नीचे के टू टच पॉइंट्स नहीं थे, अब हमारे पास क्लोन करके नीचे के टू टच पॉइंट्स आ गए हैं विच मीन्स दैट वी आर इन अ फॉर्मेशन। अगर यहाँ पे हमारे पास लोकल लो फॉर्म होता है और मार्केट वापस ऊपर जाती है ब्लू लाइन के ऊपर क्लोज होती है देन वी आर अगेन गोइंग टू गेट अ पुश्ड दिस साइड अनटिल एंड अनलेस वी ब्रेक टू द अपसाइड और वी ब्रेक टू द डाउन साइड, ठीक है। तो 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो है दैट इज़ एक्चुअली दी आप कह सकते हैं कि वो पुल बैक का वर्स्ट सिनेरियो है कि पुल बैक यहाँ तक आ जाए। फिलहाल हमारे पास मार्केट इज़ रेस्टिंग ऑन अ सपोर्ट राइट नाउ और हमारे पास जो इसमें इफ़ यू कैन सी इट ओवर है कि जो प्रीवियस हमारे पास लो है दैट इज़ अलाइंड विद दिस लो ऑन दी RSI जबकि हमारे पास करंट RSI काफ़ी नीचे है। सो दिस इज़ अ फैंटम हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, फैंटम इसलिए कि हमारे पास बीच में एक लो मौजूद है और उसके जो प्रीवियस लो है उसके साथ हमारी डाइवर्जेंस इस टाइम बन रही है, लेकिन ये डाइवर्जेंस सिर्फ तब तक है जब तक हम इस प्राइस पॉइंट से ऊपर हैं। वंस वी क्लोज बिलो दिस प्राइस पॉइंट ये डाइवर्जेंस जो है ये नल एंड वॉइड हो जाएगी और मार्केट जो है वो वापस 200 सिंपल मूविंग एवरेज तक प्ले आउट कर जाएगी। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।